धाकड़ समाचार, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। आज अध्यक्षीय भाषण पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का रिप्लाई हुआ, उसमें हम ये अपेक्षा करते थे कि ये जो तीन काले कानून उन्होंने लाए हैं और जिसके लिए सारे देश के किसान धरने पे है, आप 74-75 दिन हो गए हैं वो धरने पे बैठकर अपने हकूक को लड़ रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी कि प्राइम मिनिस्टर ये सभी एजिटेशन को देखकर और जो सारे देश में इसके बारे में जो एक हल्ला मचा हुआ है, वो तीनों कानून वापस लेकर फिर बाद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पार्लियामेंट में पुनर्विचार करके उसमें सुधार करके लाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि वो तीन कानून में क्या है किसी को मालूम नहीं है और चुपी लोग एजिटेशन कर रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है? वहाँ पर इतने एक्सपर्ट्स किसान हैं जो खुद जमीन पे रहते हैं और पार्लियामेंट में भी सभी अपोजिशन पार्टी के लोग भी इस कानून के पास जानते हैं। और जो तीन कानून, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो काला बाजारी का है, दूसरा जो अमीर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जमीन देने का है, तीसरा जो मंडी ध्वस्त करके अमीर के हाथ में बिजनेस देने की बात उन्होंने कही। ये तीन कानून के बारे में हम कांग्रेस पार्टी वाले भी पहले इसके ऊपर पॉम्पलेट निकाला है, सबको बताया है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी नज़रअंदाज किए और मैं हाउस में भी हमारे सभी लोगों ने उसको बताया भी। देखिए इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इसमें पढ़िए आप। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये सब देख लीजिए, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये पढ़ना भी नहीं जानते, इसके बारे में सोचना भी नहीं, अपनी ही बात बोलते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये उनका कहना है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कानून में क्या है किसी को मालूम है, कि इतने सभी लोग हम बेवकूफ हैं, बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे। और किसान भी जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 14,60,00,000 किसान हैं, उसमें से कम 10-20% लोग तो ग्रेजुएट्स हैं और बहुत से लोग साइंटिस्ट हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उन सबको उन्होंने एक ही सेंटेंस में किया, खारिज किया कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, उसमें छुपी लड़ रहे। तो ये उनका आज का भाषण, ये कोई उस पर कोई तथ्य नहीं है। और आज का भाषण सिर्फ उन्होंने, जैसा ही हमेशा अपना पॉलिटिकल तकरीर करते हैं वैसे करके चले गए। इसीलिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं उनकी जो बात पार्लियामेंट में थी, रिप्लाई जो था वो कोई समाधान कारक नहीं था और गुमराह करने की बात उन्होंने कहकर चले। किसानों की जिस तरह से लड़त लड़ते लड़ते शहीदी हो रही है, सिर्फ देश का नहीं
इंटरनेशनल निगाहें लगी हुई थी कि आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, यहां से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेवार कुर्सी से बहुत बड़ी उम्मीदें थी। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। पर जिस तरह से उन्होंने आज जवाब दिया है, शर्म आती है हर देशवासी को कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी से मजाकियापन अच्छा लगता है किसी को? देश के इतने किसान जब इतने दर्द के साथ वहां बैठे हैं, सबका साथ मांगा, सबने दिया, आज प्रधानमंत्री ने सबका विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया उन्होंने, नहीं बोले एक लफ्ज। इतने शहीद हुए किसानों पे दो श्रद्धांजलि के लफ्ज तो हम चाहते थे उनसे, वो नहीं आए। काले कानून में चर्चा की बात करते, हम कहते आओ चर्चा करो, चर्चा देते नहीं और अपने भाषण में झूठ बोलते हैं कि चर्चा नहीं करते हो। हम चाहते हैं चर्चा, दो चर्चा। चाइना की बॉर्डर पे हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना का नाम तक नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, आज चाइना शब्द नहीं बोले वो। क्या मेरा जवान शहीद होता है और उसके बदले में तुम एक ऐप चाइना की बंद करके खुश हो जाओगे कि बदला ले लिया? आज भाषण में चाइना के लिए एक लफ्ज नहीं बोला, गरीब के लिए एक छोटी सी बात नहीं हुई, आम देशवासी की कोई चिंता की बात नहीं हुई और ऑपोजिशन पे प्रहार करते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा देते नहीं हो आप। तो इसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी ने और विरोधी पार्टियों ने, जब प्रधानमंत्री ने ये भाषण अपना सुनाया जहां पे कोई सीरियसनेस नहीं थी, किसान की, चाइना की, आम देशवासी की चिंता नहीं थी, तो हमने आज उनके भाषण के बाद वॉकआउट करने का फर्ज पड़ा था और हमने वॉकआउट किया था। ऐसे तो विस्तार से मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने आपको बताने का काम किया है। हम लोग जब आज प्रधानमंत्री का उत्तर सुनने आए थे तो उस समय अपेक्षा कर रहे थे और पूरा देश ये अपेक्षा कर रहा था कि आज शायद किसानों का जो लंबित मांग है, पूरे अपोजिशन पार्टीज का जो मांग है कि ये तीनों काले कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन उल्टे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात की उससे पूरे देश के किसान शर्मसार हुए, फिर से अपमानित महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और आज अपने भाषण में एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और जो आप कानून लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, ये अदानी अंबानी और बड़े कॉरपोरेट घरानों को आप देश के किसानों का जमीन हड़पवाना चाहते हैं और भाषण उल्टा कर रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, आपको गरीबों से भला क्या लेना देना? जो अदानी अंबानी के लिए जो सरकार कानून बनाता हो, ऐसे कानून बनते हों जिसमें धनवान लोग और धनवान हों, गरीब लोग और गरीब हों, और उसमें जिस तरह से मजाकिया लहजे में उनका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा था, जो उत्तर था, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है और कोई समाधान नहीं निकलना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की सारी पार्टियां, जो हम लोग पहले भी मांग कर रहे थे कि आप इस पे चर्चा करिए, और इसी का प्रतिफल है कि आज पूरे सीमाओं पर, दिल्ली के सीमाओं पर लाखों किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे भागों में भी इसी तरह का गुस्सा और आक्रोश है। जल्दी से जल्दी अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो ये आग केवल दिल्ली के सीमा पर नहीं रह के सारे देश में फैलेगा और सरकार चलाना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इसको आज कंडेम करते हैं और इसीलिए हम लोगों की पार्टी ने, पूरे कांग्रेस पार्टी ने बैकआउट किया और हम अपनी बात बताने आए थे, आप सब सुने, आपका धन्यवाद।
आज जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य रहा राष्ट्रपति अभिभाषण पे, उसको लेकर देश के किसान के हाथ केवल निराशा लगी है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है, स्थिति की गंभीरता का आकलन नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से किसान पूरे देश का धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और प्रदेश के बंधनों को तोड़ता हुआ एकजुटता से अपनी भावना लेके सरकार के दरवाजे में पहुंचा है, इस सरकार ने उस किसान को, उसके उस संघर्ष को, उसके उस आंदोलन को नकारने का जो काम किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें बहुत निराशा है, हरियाणा में बहुत निराशा है, किसान को बहुत निराशा है, पूरे उत्तर भारत में आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण से बहुत निराशा है। लगता है कि किसान को एक लंबे संघर्ष के लिए अब तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण आप लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर अपनी बात रखे हैं, एकदम साफ है कि जिस तरह से हर साल पॉलिटिकल भाषण होता है उसी तरह का पॉलिटिकल भाषण आज भी प्रधानमंत्री ने किया है। पूरे देश को अपेक्षा थी, हिंदुस्तान के किसानों को अपेक्षा थी, हम तमाम लोगों को, खासकर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थे, हम चाहते तो हम बाइकॉट करके, उनके स्पीच का बाइकॉट करके हम उठ सकते थे, लेकिन सारे अपोजिशन पार्टीज को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान भर में एक आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पे हैं, 200 से अधिक किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं, आज प्रधानमंत्री हो सकता वो काले कानून वापस थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बातों में ये बात रखा कि जो है आप लोग समस्या का हिस्सा मत बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं देश के लोगों से, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से, जितने समस्या आज देश में खड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जीडीपी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो गलवान क्राइसिस हो, चाहे किसी भी तरीके जो समस्या आज जो खड़ी हुई है वो किसके तरफ से, किसान जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, आज ये तमाम समस्या जो देश में है किसके तरफ से है, जो प्रधानमंत्री की वजह से जो समस्याएं आज हमारे देश में है, वही प्रधानमंत्री आज अपोजिशन पार्टीज को अपील कर रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा मत बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए। हम चाहते हैं समाधान का हिस्सा बनना, लेकिन अगर आप पहल करें, आप इन तमाम समस्याओं को हटाने का, कम करने का काम करें या पहल करें तो उसके साथ हम दे सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा, बड़ा मजाक उड़ाते हुए ये बात कही कि इस देश में पहले सुनने को मिलता था कि बुद्धिजीवी हैं, श्रमजीवी हैं, और तीसरी अभी अब इस देश में कुछ और एक नया दल पैदा हुआ है, वो है आंदोलनजीवी करके। मतलब प्रधानमंत्री इस देश में जो आंदोलनकारियों की जो परंपरा रही है, जो हमारे देश का एक डेमोक्रेटिक सेटअप का एक हिस्सा रहा है, इस देश की आजादी आंदोलन से मिली है, वो भूल जाते हैं कि इस देश की आजादी आंदोलन मिली है। तो आंदोलन करने वालों का आज मजाक उड़ा रहे हैं, बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ा रहे हैं, शर्मजीवियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो अहंकार आज देखने को मिला सरकार के तरफ से, इसका यही नतीजा होगा अंत में कि देश के लोग उठ बैठेंगे, इस सरकार को आने वाले दिनों में सबक सिखाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन पार्टी पूरी तरीके से आज इस भाषण के खिलाफ अमेंडमेंट्स लेके आए, और अमेंडमेंट भी, एक भी अमेंडमेंट पे बात करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं थी। हम पूरे इन प्रक्रिया को खंडन करते हुए, इस भाषण को ही खंडन करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ये उन्होंने मनमोहन सिंह जी के एक लेटर का भी उन्होंने कोट किया, शरद पवार जी के एक लेटर का भी उन्होंने कोट किया, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जो चिट्ठियां लिखे गए थे और जो बात हुई थी, जो कमेंट्स और स्टेटमेंट्स किए गए थे, उनका सहारा लेके उन चिट्ठियों के पीछे ये छुपने का काम करने की कोशिश आज कर रहे थे। एक चीज मैं यहाँ बता दूं, पहले भी हम लोग कई टाइम ये बताए हैं, कांग्रेस हो, मनमोहन सिंह जी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, इसमें एकदम साफ है कि हम लोगों ने कभी ये नहीं किया आप देश जो है ये अंबानी और अदानी के यहाँ गिरवी रख दीजिए, सारा कृषि सेक्टर ये क्रोनी कैपिटलिस्ट के यहाँ ले जाके गिरवी रख दीजिए, आप सारा मार्केट गैप करके, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट जो इनके चंद मित्र हैं, 8-10 जो मित्र हैं, उनके हाथ जो है मजबूत कर दीजिए। हमने ये नहीं किया कि आप जो है